यह बात आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की है, जब पश्चिम बंगाल के सप्तग्राम नामक गांव में हिरण्य और गोवर्धन नाम के दो धनी जमींदार भाई रहते थे, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए थी। साथ ही वे अत्यंत सदाचारी, धार्मिक एवं दानी थे। लेकिन गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास इन सभी भौतिक भोगों से पूर्णतः दूर रहते थे। कुछ समय बाद जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर पधारे, तब रघुनाथ दास उनसे मिलने पहुँचे। प्रेमवश रघुनाथ दास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े। तब महाप्रभु ने भी उन पर पूर्ण कृपा करते हुए उन्हें अपने चरणों से लगा लिया। इस तरह रघुनाथ दास 7 दिनों तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में संलग्न रहे, तत्पश्चात अपने घर वापस आ गए। किंतु घर वापस आकर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो उठे और बारंबार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी भागने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार, 4 नौकर एवं भोजन के लिए ब्राह्मण नियुक्त कर दिए। परंतु जब रघुनाथ दास को पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार पुनः शांतिपुर पधारे हैं, तब रघुनाथ दास अपने पिता से निवेदन करते हुए बोले, कृपया मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर पिता ने रघुनाथ को यह कहकर जाने की अनुमति दी कि वह शीघ्र ही वापस आ जाए। रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक भगवान के संग में रहे और रात दिन उनके मन में ये विचार घुमड़ते रहे कि किस तरह मैं इन घर वालों के चंगुल से छूट सकूंगा, किस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल प्रस्थान कर सकूंगा। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए रघुनाथ के मन की बात समझ गए और बोले, धैर्य रखो, पागल मत बनो, दिखावटी भक्त मत बनो, मिथ्या वैरागी मत बनो, उचित समय आने पर तुम भवसागर को पार कर सकोगे। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक कर्तव्यों का निर्वाह करो, किंतु उनमें आसक्त मत होना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम्हें चाहिए कि अंदर से श्रद्धावान बने रहो, किंतु बाहर से सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करो। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जल्द ही प्रसन्न होंगे और तुम्हें माया के पास से छुटा लेंगे। जब मैं वृंदावन से वापस लौट आऊं, तब मुझसे नीलाचल जगन्नाथपुरी में मिल सकते हो। तब तक तुम निकल भागने की कोई दूसरी युक्ति सोच सकते हो। उस समय तुम्हें कौन से उपायों को काम में लाना होगा, यह तो भगवान श्री कृष्ण ही बताएंगे। यदि किसी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात रघुनाथ अपने घर वापस आ गए। लेकिन इसी दौरान मजूमदार परिवार के जीवन में एक घटना घटित हुई। जब कर वसूल करने वाले तुर्क चौधरी को पता चला कि हिरण्य और गोवर्धन घोटाला कर रहे हैं, वे 20 लाख रुपए एकत्रित करने के बावजूद केवल 12 लाख सरकार को दे रहे हैं, जबकि 15 लाख देने चाहिए, तो तुर्क चौधरी हिरण्य को पकड़ने के लिए कार्यकारी मंत्री को ले आया। लेकिन हिरण्य घर छोड़ चुके थे, इसलिए उन्होंने रघुनाथ को बंदी बना लिया और दरबार में पेश किया। आइए इस दृश्य के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार रघुनाथ दास ने बड़ी चतुराई से अपने ताऊ हिरण्य एवं चौधरी के बीच समझौता करवाया।
अपने पिता और उसके बड़े भाई को ले आओ, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित करूंगा। हे महोदय, मेरे पिता तथा उनके भाई दोनों ही तो आपके भाई हुए, और सारे भाई तो किसी ना किसी बात से लड़ते झगड़ते आए हैं। कभी कभी भाई भाई परस्पर लड़ते हैं, तो कभी कभी मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका कोई निश्चय नहीं कि ये बदलाव कब आ जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप लड़ रहे हैं, किंतु कल आप तीनों भाई शांति से एक स्थान पर बैठे होंगे। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूं, उसी तरह आपका भी तो पुत्र हुआ। मैं आप पे आश्रित हूं, और आप मेरे पालन करता हैं। और भला पालन करता के लिए यह शोभा नहीं देता कि वो अपने द्वारा पाले जाने वाले व्यक्ति को दंड दे। आप तो सारे शास्त्रों में निपुण हैं, निसंदेह आप एक जीवन संत के समान हैं। आज से तुम मेरे पुत्र हुए, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मंत्रियों, सैनिकों, रघुनाथ दास को छोड़ दिया जाए। तुम्हारे पिता का बड़ा भाई कम बुद्धि वाला है, 8 लाख रुपयों का भोग करता है, किंतु मैं भी तो उसका हिस्सेदार हूँ, उसे उसका कुछ हिस्सा मुझे भी तो देना चाहिए। अब तुम जाकर मेरे तथा अपने ताऊ हिरण्य के बीच भेंट कराओ, वह जो भला समझता है वह वही करे, मैं पूरी तरह उसके निर्णय पर आश्रित रहूँगा। तो इस तरह रघुनाथ ने कला का समाधान करने के बाद पूरा 1 वर्ष एक अच्छे व्यापारी प्रबंधक के रूप में बिताया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने पुनः घर छोड़ने का निश्चय किया। यह प्राय प्रतिदिन का व्यापार बन गया था। रघुनाथ घर से भाग जाते और उनके पिता उन्हें वापस ले आते। रघुनाथ दास की इस तरह घर से भाग जाने की बार बार कोशिश के कारण गोवर्धन मजूमदार के घर में क्या स्थितियां उत्पन्न हुई, आइए जानते हैं इस दृश्य के माध्यम से। भागिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
हमारा पुत्र पागल हो गया है, इसे रस्सियों से बांध कर रख देना चाहिए। हमारे पुत्र रघुनाथ के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं सका। तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांध कर कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? किसी के पिता के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी के विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर अपनी पूर्ण कृपा की है। श्री चैतन्य चंद्र के इस पागल को घर पर बांध कर कौन रख सकता है, कौन रख सकता है? इस घटना के पश्चात रघुनाथ दास ने मन में कुछ विचार किया और अगले दिन वे नित्यानंद प्रभु के पास गए। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास की भेंट नित्यानंद प्रभु से हुई, जिनके साथ कीर्तन करने वाले अनेक सेवक तथा अन्य लोग थे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्यों के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे। उन्हें घेर कर भूमि पर अनेक भक्त बैठे हुए थे। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार पानीहाटी में रघुनाथ दास को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। हरेर्नाम हरेर्नाम एव केवलम कलियो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में आत्म साक्षात्कार के हेतु हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रभु रघुनाथ आपको दंडवत कर रहा है। तुम चोर हो, अब तुम मुझसे मिलने आए हो, यहाँ आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तो आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चिवड़ा खिलाओ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
नमो महावादा न्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्ण आय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर्त से नमः। पराम करुणा बहुदुई जना गौरचंद्र परम करुणा बहुदुई जना निताय गौरचंद्र परम करुणा बहुदुई जना निताय सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा परम करुण बहुदुई जना निताय गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा सभी लोग हरि नाम का कीर्तन करते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरि 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे प्रभु
मैं मनुष्यों में अधम, अत्यंत पापी एवं तिरस्कृत हूं, तो भी मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूं, चांद पकड़ने के इच्छुक किसी बोने की तरह मैंने अनेक बार प्रयत्न किए किंतु कभी सफल नहीं हुआ। जितनी बार मैंने भाग जाना चाहा और ये घरेलू संबंध तोड़ देना चाहा, उतनी ही बार मेरे माता एवं पिता ने दुर्भाग्यवश मुझे बांध कर रखा। आपकी कृपा के बिना कोई भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि आप कृपालु हो तो अधम से अधम व्यक्ति भी उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकता है। यद्यपि मैं अयोग्य हूं और यह याचना करते हुए भयभीत हूं, तो भी मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपालु हो। आप अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्द ही बिना कठिनाई के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। रघुनाथ दास के भौतिक सुख का स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के सुख के तुल्य है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की रघुनाथ दास पर कृपा होने से इतना भौतिक सुख प्राप्त होने पर भी इसे यह अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप सभी लोग इस पर कृपालु होकर इसे आशीर्वाद दें कि ये शीघ्र ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करें। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव कर लेता है वह सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता, तो फिर स्वर्ग के सुख की क्या बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों द्वारा उनकी उत्तम स्तुतियां की जाती हैं, इसीलिए वे उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने की अत्यंत इच्छुक होने के कारण राजा भरत ने युवावस्था में ही अपनी अत्यंत आकर्षक पत्नी, स्नेहिल बच्चों, प्रिय मित्रों तथा ऐश्वर्युक्त साम्राज्य का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह मल को त्याग दिया जाता है। हे रघुनाथ दास, चूंकि तुमने गंगा नदी के तट पर इस प्रसाद की व्यवस्था की, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तुम पर मात्र अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ आए। अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने चिड़ा तथा दही खाया, तत्पश्चात भक्तों का नृत्य देखने के बाद में उन्होंने भोजन किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ आए। अब तुम समझ लो कि तुम्हारे बंधन के सारे अवरोध दूर हो गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे और अपने सचिव स्वरूप दामोदर के अधीन तुम्हें सौंप देंगे। इस प्रकार
तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विश्वस्त अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करोगे। अब तुम आश्वस्त होकर अपने घर लौट जाओ। तुम शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। नित्यानंद प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद रघुनाथ दास घर वापस आ गए। वे एक बार पुनः घर से निकल जाने की विभिन्न विभिन्न युक्तियां सोचने लगे, परंतु सफल नहीं रहे। किंतु एक दिन उनके पुरोहित यदुनंदन आचार्य ने उन्हें अपने एक शिष्य को प्रेरित करने के लिए बुलाया, जिसने अर्च विग्रह की सेवा करना छोड़ दिया था। रघुनाथ दास ने आचार्य यदुनंदन को यह आश्वासन दिया कि वे अकेले ही उस शिष्य को उसके घर से ले आएंगे। आचार्य ने उन्हें अकेले जाने की अनुमति दे दी। फिर क्या था, रघुनाथ दास ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने का यह सबसे उचित अवसर समझा और जंगलों के रास्ते प्रतिदिन 30 मील पैदल चलकर तथा अनेक प्रकार के कष्ट झेलकर 12 दिन बाद जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त की। चंद समय में वे चैतन्य महाप्रभु तथा सभी भक्तों के अत्यंत प्रिय बन गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की गुह्य सेवा की। चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनकी भक्ति एवं तपस्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं स्वरूप दामोदर गोस्वामी के तिरोधान के पश्चात वे वृंदावन चले गए। वहां जाकर रूप एवं सनातन गोस्वामी के साथ रहने लगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी तपस्या का स्तर बढ़ाते हुए धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और केवल छाछ की कुछ बूंदें पीकर जीवन यापन करने लगे। वे नित्य प्रतिदिन भगवान को 1000 बार दंडवत करते, 1,00,000 हरिनाम का जप करते और 2,000 वैष्णवों को दंडवत करते। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा, 3 घंटे प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु की चर्चा एवं 3 बार राधा कुंड में स्नान करते। इस प्रकार अंतिम समय तक भगवान की गुह्य सेवा में लीन रहे और भगवान की शुद्ध भक्ति का एक जीता जागता उदाहरण हमारे लिए पेश कर गए।